हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप सभी भी बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, प्रेगनेंसी में कैसे लेटना चाहिए, किस पोजीशन में सोना चाहिए, लेटना चाहिए, ये चीज़ें हर एक गर्भवती महिला को मालूम ही होनी चाहिए, क्योंकि आपके गलत तरीके से लेटने से, सोने से बच्चे की सांस रुक सकती है, बच्चे की नाक अंदर ही दब सकती है। तो आपको कैसे लेटना है, कैसे सोना है प्रेगनेंसी में और किस पोजीशन में सोना सबसे बेस्ट माना जाता है, आज मैं इस वीडियो में आपको सारी चीज़ों के बारे में अच्छे से समझाने वाली हूँ। अगर आप गलत तरीके से सोएंगी तो बच्चे को अंदर दिक्कत हो सकती है, ठीक है, बच्चे को सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, बच्चे का दम भी घुट सकता है। तो इसलिए ये चीज़ें मालूम होना बेहद ही ज़्यादा ज़रूरी है। आइए आपको बताते हैं। उससे पहले, आपने अभी तक हमारे पेज को फॉलो नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, उस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और कमेंट में ये ज़रूर बताएं कि आपको प्रेगनेंसी में किस पोजीशन में लेटना अच्छा लगता है। चलिए शुरू करते हैं। जैसे जैसे गर्भावस्था का समय आगे बढ़ता है, वैसे वैसे बॉडी में बहुत सारे चेंजेस भी आते हैं और धीरे धीरे पेट का आकार भी बढ़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि अंदर से बच्चे की ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है। बात करते हैं प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर की, यानी कि पहले जो शुरुआती 3 महीने होते हैं उसमें आप कैसे भी लेट सकती हैं, क्योंकि उसमें भ्रूण का विकास बहुत ही छोटा होता है। बहुत ही छोटा होने की वजह से आपको किसी भी पोजीशन में लेटने में दिक्कत परेशानी नहीं होती है। तो प्रेगनेंसी के पहले ट्राइमेस्टर में, यानी कि पहली जो तिमाही होती है, पहले जो 3 महीने होते हैं, उसमें आप कैसे भी सो सकती हैं, ठीक है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जैसे ही आपकी प्रेगनेंसी का सेकेंड ट्राइमेस्टर यानी कि 4th महीना शुरू होता है, तब से दोस्तों आपको थोड़ी सावधानियां बरतने की आवश्यकता है। प्रेगनेंसी के सेकेंड या फिर थर्ड ट्राइमेस्टर में सबसे ज़्यादा डॉक्टर बताते हैं कि प्रेगनेंसी के 7वें, 8वें, 9वें महीने में आपको हमेशा लेफ्ट पोजिशन में लेटना चाहिए। अब इसके क्या कारण है कि आपको लेफ्ट पोजिशन में ही लेटना चाहिए? क्योंकि जब एक गर्भवती महिला लेफ्ट पोजीशन में सोती है या फिर लेटती है तो भरपूर मात्रा में बच्चे तक ऑक्सीजन पहुंचती है, अच्छे से न्यूट्रिशन पहुंचते हैं और ब्लड सर्कुलेशन ठीक रहता है, ठीक है, और आप भी बहुत तक कंफर्टेबल फील करती हैं। तो इसीलिए डॉक्टर भी बताते हैं कि गर्भवती महिलाओं को हमेशा प्रेगनेंसी के 7वें, 8वें, 9वें महीने से लेफ्ट पोजीशन में ज़्यादा लेटना चाहिए, ज़्यादा सोना चाहिए, ताकि बच्चे को भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन मिले, बच्चे का विकास अच्छा हो और आपको भी सोने में, लेटने में या फिर कई तरह की बीमारियों से आप बच सकें। तो इसलिए आपको लेफ्ट पोजीशन में लेटना है। जब आप लेफ्ट पोजीशन में ज़्यादा लेटें, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम थक जाते हैं एक ही पोजीशन में लेटे लेटे, तो आप करवट चेंज करके लेट सकती हैं, लेकिन ज़्यादा टाइम तक आपको लेफ्ट पोजीशन में ही सोना है। इससे बच्चे को काफ़ी अच्छा फील होगा और आपको भी फील होगा और बच्चे को कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होगी। लेकिन जैसे ही प्रेगनेंसी का सेकेंड ट्राइमेस्टर यानी कि 4th महीना शुरू हो जाए, तब से आपको पेट के बल, पीठ के बल ज़्यादा नहीं लेटना है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और सोने से पहले 1 गिलास दूध का सेवन ज़रूर करें ताकि आपको अच्छी नींद आए। तो कमेंट में ज़रूर बताएँ कि आपको कैसे सोना, किस पोजिशन में सोना पसंद है।